हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई ट्यूशन। शिक्षा एक सुंदर भविष्य पर आज मुझे दशम श्रेणी जीव विज्ञान द्वितीय अध्याय जार ना है श्वसन, तार क्वेश्चन आंसर करने को जाऊँ। अच्छा, समस्ते श्वसन विषय टी पढ़ी थ जेहेतु मिड सेशन तुम है, श्वसन विषय समस्ते पढ़ी थ। चलो आज आम तार क्वेश्चन आंसर करवा। भिडियोटी दुईट पार्ट्रे र प्रथम पार्ट्रे क्वेश्चन नंबर 1 to 7 पर्यंत करी, जोटि कि तुम मानकर लॉन्ग क्वेश्चन जी भी अच्छी से डिस्कशन करवा। आ सेकेंड पार्ट्रे आम रेस्ट अफ जी भी सर्ट नोट्स, सर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस से सब अच्छी जहाँ भी ताक सब डिस्कशन करवा। चलो आ डिले न करी आरंभ करवा। अच्छा, ता पूर्व मुझे जनईदेक चाहूँगी आमर ई ट्यूशन एप्लीकेशन तुमको स्टडी मटेरियल सब वीडियो लेक्चर्स आउ जहाँ भी डाउट क्लीयरिंग जहाँ भी तुम मानक रिक्वायरमेंट अच्छी से सब फैसिलिटी अच्छी। तो जो मैंने डाउनलोड करन एप्लीकेशन डाउनलोड करनी। चलो आरंभ करवा। प्रथम क्वेश्चन कही मनुष्यर श्वासतंत्र नामांकित चित्र अंकन कर। समस्ते देख श्वासतंत्र कौठ आरंभ हो मनुष्यर श्वासतंत्र मुखर मान पटी आक पाखर आरंभ हो पूरा जाकि कौट जाकि एंड होमर फुसफुस पाखरे नहीं मध्य छद रही जाकि एंड हो कौन है देख ये फुसफुस रहिला हृत्पिंड रहिला सबू रही जाकि एंड हो तो कौन कौन अच्छी नासरंध्र तापर कौन आसला नासरंध्र पर नासापथ तापर सैड्रे ग्रसनी अच्छी हाँ स्वर पेटिका जोटी कथा कहे आम भोकाल बक्स जोटा आमर अच्छी स्वर पेटिका अच्छी श्वास नली अच्छी तापर जा श्वास नली तो जाचे समस्ते तापर कौन आसला फुसफुस आसला बाम पटे बाम फुसफुस दक्षिण पटे दक्षिण फुसफुस फुसफुस तापर दुईटे कौन अच्छी श्वास नलिका अच्छी दुग 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 केमती कैनी तो फुसफुस नलिका अच्छी तापर नलिकार देख बाह्य आवरण कौन अंत पंजरा अच्छी जोटा प्रोटेक्ट करुच्चर क्या फुसफुस को प्रोटेक्ट करुच्ची अंत पंजरा स्थान आउ तौक कौन अच्छी मध्य छदा कौन अच्छी मध्य छदा तुमको जब परीक्षा डायग्राम मानने दिए तुम इजिली केमी मन रखिपार आखि बंद करक पाखर आरंभ कर कौन कौन अच्छी नासरंध्र नासापथ ग्रसनी स्वरपेटिका श्वास नली फुसफुस श्वास नलिका अंत अंत पिंज सरी पंजरा स्थान आउ लास्ट कौन मध्य छदा एमती तुम्हें निज को इमाजिन करके तुम जी कर इजिली तुम्हें ड्र भी करपर ठीक अच्छे। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कौन कही विभिन्न प्रकार स्थित श्वसन बेले ग्लुकोज अणु किपर भांगे रेखाचित्र दर्शाओ। अच्छा, मत गोटे कथा कह आमर बडी आमको जिते बड़े दरकार पड़े एनर्जी दरकार पड़े कौ अणु ब्रेक हेले आमको एनर्जी मिले ग्लुकोज अणु नॉर्मली तेरे ग्लुकोज अणु केमी तैयारी हुए केमी से भांगे देख कार्बन युक्त पायरुविक अम्ल फर्स्ट कौन हुए कि तीन टी स्टेप प्रथम कौन है ना अम्लजान अनुपस्थित ईस्ट कस दुईटी कार्बन युक्त इथानल गोटे अंगारकाम्ल आउ किसी एनर्जी जेनरेट सबुरे देख कमन जिनस कौन जेनरेट करुच्ची शक्ति बा एनर्जी जेनरेट करुच्ची वायु अपजीवी श्वसन यटा को कहगला। द्वितीय अम्लजान अभाव अनुपस्थित अभाव पेशी कसर जोगुड़ाक ईस्ट कस गला पेशी कसर जोड़ा से कौन है कि तीन टी कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल प्लस किछिडा एनर्जी रिलीज है। थर्ड रे अम्लजान उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जानिचो शक्ति उत्स बोली कहूचे जोटी आम एनर्जी पाऊ तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन करे कि अम्लजान उपस्थित अंगारकाम्ल आउ जल किछि आउ किछि एनर्जी जनरेट करे वायु उपजीवी श्वसन ताकु बोली कहा जाए। तो यहीटा है अम्लजान प्रेजेन्ट्रे आबसेंट्रे केमी ग्लुकोज ब्रेक करमती आमको एनर्जी दौर तार डायग्राम मन रहा समस्त को। चलो थर्ड क्वेश्चन देखा संवातन वो सरी गैस परिवहन किपरी हुए लेख तुम बही रूटा मुझे कट करी रखी देख। अच्छा, संवातन प्रथम बुझे जो प्रश्वास इंस्पिरेशन कौन मैंने क्या कहुए ना श्वासक्रिया समय अंत पंजरा तुमको देखेली ना मो डायग्राम रे भी जोटा प्रोटेक्ट करके रखुच्छे फुसफुस को अंत पंजरा मांसपेशी मध्य छदा वो
उदरीय मांसपेशी सक्रिय अंश ग्रहण करती। प्रश्वास समय अंतपंजरा मांसपेशी संकोचन वो उदरीय मांसपेशी शिथिलन घटे, फलस्वरूप गम्बुजाकार मध्यछदा सड़ख बा समतल हो जाए व पंजर हाड़ आग को उठी आसे बाहरिकी रुहे ना। यह प्रक्रिया समय बक्षगहर आयतन प्राय अधिक हो जाए 20% वृद्धि पाए एवं बक्षगहर और फुसफुस मध्यस्थ वायुचाप वायुमंडल वायुचाप ठारू कम थाए, कौन थाए, कम ही थाए। तेणु उच्च वायुचाप थिबा वायुमंडल को वायु निम्न वायुचाप थिबा फुसफुस मध्यरे प्रवेश करे। तापर कौन हुए ना प्रश्वास एक सक्रिय प्रक्रिया, माने एटा गोटे एक्टिव प्रक्रिया बोली कहउचंती। तापर रहिला कि निश्वास कौन, ताले बुझी पारलो प्रश्वास माने जानी पारलो। निश्वास माने जोटा आम छाड़ूचे एक्सपिरेशन, एटा जो छाड़िले प्रश्वास माने जोटा इनहेल करूचे। तापर देख ना निश्वास एक शिथिलन प्रक्रिया कूल डाउन कर दिए। यही समय मध्यछदा वो अंतपंजरा मांसपेशी शिथिलन घटा सह उदरीय मांसपेशी संकोचन घटे, पंजरा हाड़ पूर्व स्थान को फेरी आसे। मध्यछदा ने फुलला 20% पर्यंत फुलला छाड़े पुणी से तार कमन स्टेज को पलै आसला पंजरा हाड़ जो जानपर निजे एक्सपीरियंस कर जोटा से जिनसा ही लिखाही तुमको एग्जाम भी लिखापी इजी हम तुम्हें जदि निजे जो जिनस एक्सपीरियंस करा रिलेट करके पढ़व बहरे। तो बक्षगहर आकार ह्रास पाए वो फुसफुस उपर चाप पकाए, तेणु फुसफुस मध्य वायु बाहर को चली आसे। छाड़े ये बड़े फुसफुस मध्य भी जहाँ थाए वायु से कौन आसे बाहरी आसे सरी। तापरे गैस विनिमय फुसफुस मध्यरु वायु प्रवेश कलापरे एथिमध्यरे थिबा कठरिका गुड़िक वायु द्वारा पूर्ण होता है। साधारणतः बाह्य वायु रे अम्लजान सांद्रता अधिक वो अंगारकाम्ल सांद्रता कौन थाए कम थाए। यही समय कठरिका को घेरी रही रक्त जालिका जो कैपिलारी ट्यूब सब थाए जो मध्य प्रवाहित होता रक्त अम्लजान सांद्रता कम आउ अंगारकाम्ल सांद्रता कौन थाए अधिक जोटा नॉर्मली वायु रे भी थाए। कठरिका मध्य ओ टू और सीओ टू गैस वो रक्त जालिका मध्य ओ टू और सीओ टू गैस मध्य सांद्रता भिन्न होता है। एथिजो कठरिका मध्यस्थ वायु वो रक्त जालिकारे जो कैपिलारी अच्छी जालिकारे प्रवाहित रक्त मध्य विसरण प्रक्रिया द्वारा अम्लजान वो अंगारकाम्ल गैस रो विनिमय घटे। तो अम्लजान फुसफुस कठरिका रु रक्त मध्य को प्रवेश करे वो रक्त मध्य अंगारकाम्ल गैस फुसफुस कठरिका मध्य को प्रवेश करे। तो सी कौन कला कि ऑक्सीजन को लेकिन बॉडी रे सप्लाई कला और रेस्ट ऑफ जहाँ भी रहा अंगारकाम्ल से फुसफुस पाखे रखा जो एक्सेल करुचे छाड़ू अंगारकाम्ल बुझेगा ना। आम जो नॉर्मली नौ आम कौन अम्लजान नौचे अम्लजान नहीं नॉर्मल एयर ही आम नौचे फुसफुस ही कौन कर मैंने प्योरीफाई करके कौन कर जो कैपिलरी ट्यूब गुड़ाक छाड़ू ऑक्सीजन छाड़ू आउ रेस्ट ऑफ से एक्सेल साहय अंगारकाम्ल आम बाहर को छाड़ दौ। ताप देख गैस परिवहन केमिति होउची ना रक्तर लोहित कणिका जो आरबीसी आरबीसी रे हिमोग्लोबिन थाए रेड ब्लड कॉर्पसल्स व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स से तो सुनिच समस्ते। तो से कौन करुची ना आरबीसी रे हिमोग्लोबिन थाए हिमोग्लोबिन पाई ही रेड देखा जाए ब्लडटा यह अम्लजान ग्रहण कर ऑक्सी हिमोग्लोबिन रे परिणत हुए। ऑक्सी हिमोग्लोबिन रक्त माध्यम रे शरीर रा प्रत्येक कस निकट रे पहुंचे, कस निकट में ऑक्सी हिमोग्लोबिन भांगी अम्लजान वो हिमोग्लोबिन सृष्टि हुए। यही अम्लजान कस मानक मध्य को प्रवेश करे वो कस मानकरु निर्गत अंगारकाम्ल गैस रक्त को चली आसे। कस स्तर में घटुवा गैसीय विनिमय मध्य विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। कौ प्रक्रिया द्वारा होता है विसरण प्रक्रिया द्वारा ये जो गैसीय विनिमय से कस स्तर में
कषरु निर्गत अंगारकाम्ल गैस रक्त मध्यरे फुसफुसरे पहुँचे और विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्तरु फुसफुस कठोरिका बाट दे वायुमंडल को निर्गत हो जाए। एटा हैला तमर टोटल माने जो आमर गैस ट्रांसपोर्टेशन रहिला माने इनहेल एक्सहेल जहाँ भी करुच तार टोटल प्रोसेसटा देख वायु प्रवेश करा ये देख डायग्रामटा दे वायु केमी प्रवेश करुच्ची तापरे माने ताकू केमती इनहेल जितेबाला कर सारा फुसफुस को केमी एंटर भी करुच्चे एक्सहेल जितेबाला करुच्ची कौन कर मध्य छंदे जो गंबुज आकार अच्छी से देखी क्रॉस करके सी जा प्रस्थान करुच्ची यहाँ आमर जो श्वास नलीटा रही बुझेगा। तापर देखा चार नंबर क्वेश्चन वायु अपजीवी श्वसन वो वायु उपजीवी श्वसन मध्य पार्थक्य लेख वायु उपजीवी श्वसन क्या कह जाए ना जहाँ जो अम्लजान आवश्यक थाए अपजीवी माने कौन अम्लजान आवश्यक न थाए एथिरे अधिक शक्ति बा जो 38 एटीपी अणु उत्पन्न हुए वायु उपजीवी श्वसन आउ वायु अपजीवी श्वसन मात्र 2 एटीपी उत्पन्न हुए। तापरे कहुचि कि वायु उपजीवी श्वसन एथिरे अंगारकाम्ल वो जल मुक्त होइथाय वायु अपजीवी श्वसन कौन हुए एथिरे इथानॉल सुरासार बा लैक्टिक अम्ल सृष्टि होइथाय वायु उपजीवी श्वसन कौन हुए ना एथिरे ग्लुकोज संपूर्ण जारण हुए आउ अपजीवी श्वसन ग्लुकोज असंपूर्ण जारण हुए बुझेला। पांच नंबर क्वेश्चन देखिबा कोशीय श्वसन कौन ग्लाइकोलिसिस वो साइट्रिक अम्ल चक्र विषय लेख अच्छा अच्छा मत कह कोशीय श्वसन मान रेस्पिरेशन कथा ये कहूँ आमर मांसपेशी आमर सेल्स रे सेल मान मांसपेशी भी तो से सेल को नहीं कि गठन तो से केमी आम श्वसन रेस्पिरेशन केमी होमें तो आम नर्माली आम कमी निश्वास प्रश्वास नौचे से बुझीगले सेटा भी रेस्पिरेशन पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन तो कोशीय श्वसन कौन ना खाद्यर जारण शक्ति मोचन व अंगारकाम्ल निर्गमन प्रकृत पक्षे कोषरे साधित हुए कौटी हुए सेल रे ही हुए। कोशीय श्वसन मुख्य आधार रासायन बा सबस्ट्रेट रूपे 6 कार्बन युक्त ग्लुकोज अणु को विवेचना करा जाय थाए अम्लजान उपस्थित रे ग्लुकोज जारण द्वारा अंगारकाम्ल निर्गत हुए यह सहित कौन हुए ना अधिक शक्तियुक्त विजारक अणु व शक्ति मुद्रा हुए तो C6H12O6 एटा कहार फॉर्मूला ग्लुकोज आउ 6 अम्लजान अणु जो मिशुची जारण घटिक से कौन रिलीज होनर्जी रिलीज हो 6 अंगारकाम्ल अणु आउ गोटे जल अणु बाहर तापर कौन होना कोशीय श्वसन 3 पर्यायर घटी थाए सेगुड़िक ग्लाइकोलिसिस साइट्रिक अम्ल चक्र इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था ए तीन टी रे तो ग्लाइकोलिसिस रे कौन होची ना कसर कस जीवकर ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया हुए यही प्रक्रिया रे ग्लुकोज रे विघटन 2 सोपान रे परिचालित होइते प्रथम सोपान रे 6 कार्बन युक्त ग्लुकोज अणु एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ग्रहण करी उद्दीपति जो बाहरी थाए एहा द्वारा 3 कार्बन युक्त सरल शर्करा विभक्त हुए आ द्वितीय सोपान कौन हम ना 3 कार्बन युक्त शर्करा जैव रासायनिक क्रिया द्वारा पाइरुविक अम्ल नामित एक 3 कार्बन युक्त कौन करे ना जैव अम्ल को परिणत हुए तो बुझेगा। देख एटी एटीपी रो भी सेतिक ही भूमिका अच्छी जेंती आम देखिले कि ग्लुकोज रो तो एटीपी कौन करुच ग्लुकोज को ब्रेक करके से एनर्जी रिलीज करिवार काम होचे एटीपी रो हला ग्लुकोज अणु को एटीपी ग्रहण करके कौन करे कार्बन रे आउ जो जहाँ भी रहा शर्करा पाइरुविक एसिड रे सबू ताकू बाहर कर दे एही सोपान रे शक्ति मुद्रा एटीपी को आम शक्ति मुद्रा बोली कहूचे एटीपी एवं शक्ति संपन्न विजारित सहकारक निकोटिमाइड निकोटिमाइड एडेनाइड वाउ जो जहाँ कहे NADH2 सेटा को कौन करे ना से रिड्यूस कर दिए कमे दिए तो 6 कार्बन युक्त ग्लुकोज जितेबाला एटीपी सांगे रिएक्ट करुच्चे से आमको 2-3 कार्बन युक्त सरल शर्करा ताकू पुणी एटीपी आउ NADH2 सांगे जितेबाला रिएक्शन होउची 2-3 कार्बन युक्त पाइरुविक एसिड बाहर तेज रिएक्शन ये बुझिपार 6 कार्बन युक्त ग्लुकोज थी एटीपी सांगे रिएक्शन करके से आमको 2-3 कार्बन युक्त शर्करा सरल शर्करा बाहर पुणी एटीपी आउ NADH2 सांगे जितेबाला डाइन्यूक्लियाइड सांगे जितेबाला से रिएक्शन कला से 2-3 अणुजुक्त मानते 3 कार्बन युक्त पाइरुविक अम्ल दे
तापर 6 नंबर क्वेश्चन अच्छा ये देख दे जो पाइरुविक एसिड रो तार ये दे साइट्रिक एसिड अच्छा एटा भी देखी दियो साइट्रिक अम्ल रो तार साइकिल टा भी देखी दियो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स जो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया माने जानछ शक्ति उत्स ताको कहचे साइट्रिक अम्ल चक्र प्रक्रिया संगठित होइथाय कोठी तयार हेते तले तुमको जदि क्वेश्चन आसे साइट्रिक अम्ल चक्र कोठी संगठित होइथाय ना माइटोकॉन्ड्रिया रे अम्लजन उपस्थित रे पाइरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया रे भीतर को प्रवेश करे वो साइट्रिक अम्ल चक्र रे भाग निए एहा दुई पर्याय रे संपादित होइथाय प्रथम पर्याय रे माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रे थिबा एंजाइम द्वारा पाइरुविक अम्ल दुई कार्बन युक्त सक्रिय अणु को परिवर्तित हुए वो अंगारकाम्ल निर्गत हुए एही पर्याय रे NADH2 संश्लेषित होइथाय द्वितीय पर्याय रे साइट्रिक अम्ल चक्र रो ग्राहक अणु 4 कार्बन युक्त जो ऑक्सिलेटिक एसिड जो OAA रहिला 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु को ग्रहण करी 6 कार्बन युक्त साइट्रिक अम्ल कौन करे तैयारी कर दी साइट्रिक अम्ल चक्र रे विभिन्न जैविक अम्ल रे परिवर्तित होबा सहित शेष रे ग्राहक अणु जो OAA रहिला को कौन करे से पुनरुत्पन्न करी थाए एही पर्याय रे अंगारकाम्ल निर्गत होबा सहित विचारक सहकारक जो NADH2 रहिला आउ FADH2 जोटा को भाव काम करुचे ना रिड्यूस्ड फ्लाविन एडेनाइन डायनक्लियोइड से काम करुचे वो ATP उत्पन्न हो देख पाइरुविक अम्ल तार चक्रटा देमती ऑक्सिलेटिक अम्ल रहिला जोटा कि कहा रिएक्शन कला का सांगरे ना NAD2H2 सांगरे करके जैविक अम्ल देला पुणी जैविक अम्ल रहिला एपटु पुणी साइट्रिक अम्लटा कौन है कि CO2 रिलीज करके पुणी कौन आसला जैविक अम्ल आसला पुणी CO2 रिलीज करके एपट आसिक ATP सह आउ NADH2 सह रिलीज ताकु रिएक्शन करके कौन कला ना जैविक अम्ल तैयारी करछु तो एटा होउछि पाइरुविक अम्लर सर्कल 6 नंबर क्वेश्चन कौन कही कस्य श्वसन आधार विषय लेख कस्य श्वसन आधार कस भितर कस जीवक साइटोप्लाज्म थाए कस जीवक कस झिल्ली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा आवृत एथिरे विभिन्न अंगिका एंजाइम पोषक अणु इत्यादि थाए कस जीवक ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया संपादित हुए माइटोकॉन्ड्रिया अंगिका द्विस्तरीय झिल्ली द्वारा आवृत यह भितर रसपूर्ण अंश को मैट्रिक्स बोली कहा जाए जो माइटोकॉन्ड्रिया जो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कथा तुमको कहली ना जो माइटोकॉन्ड्रिया भितर जो माने अदालिया जिनसा था रसपूर्ण जिनसा था ताकू ही तार माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स बोली कहा जाए एथिरे विभिन्न जैविक अम्ल एंजाइम लिपिड प्रोटीन अणु इत्यादि थाए द्विस्तरीय झिल्ली अंत झिल्ली मैट्रिक्स भितर को भांग हो पशि आसी थाए ए भली भांग को क्रिस्टी कहा जाए जो मैट्रिक्स भितर जो भांग जो झिल्लीटा अंत झिल्लीटा थाए कौन कह जाए क्रिस्टी बोली कह जाए मैट्रिक्स साइट्रिक अम्ल चक्र प्रक्रिया वो अंत झिल्ली रे इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था कार्य करिथाय ताले देखो तुमको ये साइड रे डायग्राम दीजिए जे कस झिल्ली तापर ता भितर जो कस रस रहिला माइटोकॉन्ड्रिया भितर भी देख जमी मैट्रिक्स गुड़ाक जोड़ा ओदाड़िया पार्टा या भितर देख ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ तो यहाँ बही झिल्ली रहा अंत झिल्ली रहा मैट्रिक्स भितर जोड़ा ओदाड़िया पार्ट युवाक रहा तार मैट्रिक्स आउ क्रिस्ट जोटा देख ये भांग करके जो भितर को पशिची से कौन कह क्रिस्टी कहुची आउ अंत झिल्ली एक अंश केमी टाइप रो अंत झिल्ली मानने सैट्र जो क्रिस्ट्री रख सैट उपर पटाटा जमी देखा सेटार तार यही आवरणटा थे जूम करके देखिले सेमती ही रहिबो 7 नंबर क्वेश्चन जीवा 7 नंबर क्वेश्चन कही इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्थार बरणी दि तो इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था माइटोकॉन्ड्रिया अंत झिल्ली रही था संस्थाटी विभिन्न प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन बाहक अणु द्वारा गढ़ा ग्लाइकोलिसिस वो साइट्रिक अम्ल चक्ररु जो उत्पन्न होइथिबार सहकार NDH2 आउ FADH2 जोटा अणुर एही संस्था द्वारा प्रक्रिया कारण होइथाए एवं मच्छित शक्ति ATP तैयारी हुए आम समस्त जानते ATP कौन आम शक्ति उत्स विचारक सहकारक गुड़िक इलेक्ट्रॉन कौन करे बाहर करी इलेक्ट्रॉन बाहक अणु श्रृंखल मध्य गति कै व बाहर को प्रोटॉन बा H+
प्रोटॉन वाहक माध्यम रे दुई झिल्ली रो मध्यवर्ती स्थान को स्थानांतरित तो हुए। श्रृंखला शेष रे थिबा वाहक अणु एक एंजाइम द्वारा इलेक्ट्रॉन सहित मैट्रिक्स थिबा द्रवीभूत अम्लजान को मिसाई जल सृष्टि करे। इलेक्ट्रॉन वाहक श्रृंखल रे इलेक्ट्रॉन गति करबा समय रे दुई झिल्ली मध्य रे थिबा अंतर्वर्ती स्थान रे अधिक परिमाणर प्रोटॉन जमा हुए। एहा द्वारा एक प्रकार प्रोटॉन गति सक्षम बल तैयारी करे। तो इलेक्ट्रॉन केमिति जेनरेट होउछि, इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था केमिति होउछि देखा हम बॉडी, किंतु ता भितरे भी केमिति ए सब जहाँ भी आम मेटेरियलिस्टिक कथा शुणु जे नाई केवल अलग मेटेरियल ही आमर इलेक्ट्रॉन जेनरेट हो कि प्रोटॉन जेनरेट होम बॉडी रे भी होउछि, सेल मानक मध्य ये सब जिन होने उपयोगी करी एटीपी सिंथेस नामक एंजाइम एटीपी प्रस्तुत करे। तो एटीपी किए तैयारी करुची, एटीपी सिंथेस नामक जने एंजाइम से कौन तैयारी करुची, एटीपी तैयारी करुची। वायु उपजीवी श्वसन रे छटी कार्बन युक्त ग्लुकोज संपूर्ण भाबरे जारित हुए एवं एहार प्रतिटि कार्बन अम्ल अंगारकाम्ल रे परिणत हुए। अम्लजान उपस्थित रे एही प्रक्रिया चलीथिले मध्य कोशीय श्वसन रे शेष सोपान रे अम्लजान व्यवहृत हुए। ग्लुकोज अणुटि वायु उपयोगी श्वसन रे 38 एटीपी अणु होइथाय, किंतु वायु अपजीवी श्वसन रे लास्ट रे जेंति मु कहिली उपजीवी जो आमर पार्थक्य दर्शा रे उपजीवी रे कौन करे ना 38 अधिक एटीपी बाहर करे, आउ अपजीवी रे कौन करे 2 एटीपी अणु से तैयारी करछि। तापरे देखो तो एतिक थिला आमर 7 नंबर पर्यंत क्वेश्चन आंसर। यार जो नेक्स्ट पार्ट आसीबो पार्ट 2 जेमति मु वीडियो फर्स्ट रे कहितली, पार्ट 2 रे आमे जेतिको भी शॉर्ट नोट्स अछि शॉर्ट क्वेश्चंस अछि से सब डिस्कशन करिबा। तो ता पूर्व रे जो माने भी आमर ई ट्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करिनो डाउनलोड कर, कहीं ना सेठी तुमको फ्री एजुकेशन सहित तुमने स्टडी मटेरियल पाखर तुमकर जहाँ भी डाउट 24/7 टीचर्स मैंने तुमको डाउट सॉल्व करेंगे। तुम डाउट आस्क योर डाउट सेक्शन में जाकि डाउट लिखिपार, मंथली एग्जाम होगी एग्जाम दे पार। तो ये सब फैसिलिटी गोटे आप्रे सी भी पुणी फ्री रे तुम कौट भी पाइबनी, जेहेतु क्लास 10 तुमको जिते तुम निजर प्रिपेरेसन भल कर एग्जाम से भल कर। तो समस्त को बेस्ट ऑफ लक। आज जो मैंने ई ट्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना कर फर्स्ट कथा, जो मैंने एवं देखुच भिडियोटा यूट्यूब देखुच सब्सक्राइब करना आम चैनल को, समस्त सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, कमेंट कर। थैंक यू।